मेडिकल कॉलेज में हुई छात्र की मौत के मामले में प्रिंसिपल संगीता नेजा सहित 5 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। वहीं धरने पर बैठे छात्रों ने दी कैंडल जलाकर मृतक शैलेंद्र को श्रद्धांजलि। फिरोजाबाद शहर के मेडिकल कॉलेज में छात्र के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना को लेकर मृतक के परिवारजनों के अलावा मेडिकल के छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन रोड जाम किया गया है। बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। फिरोजाबाद के शहर के कौशल्या नगर निवासी 2021 बैच के MBBS के छात्र शैलेंद्र ने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसमें एक छात्र नाम शैलेंद्र उसके बाद कॉलेज के जो भी अन्य छात्र छात्राएं थे काफ़ी इस बात को लेकर के आक्रोशित थे। साथ ही साथ उन्होंने कॉलेज प्रबंधन तंत्र के ऊपर भी कई क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाए और कुछ अपनी उन्होंने शिकायतें करी थी, जिसका कि स्टेट के स्तर पर भी लोग के स्तर पर भी संज्ञान लिया गया है। और उनका जो प्रदर्शन चल रहा लगातार हम लोग इनसे वार्ता कर रहे थे, लगातार ही इनसे हम संवाद स्थापित किए हुए थे और उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। थोड़ी देर पहले इन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च भी निकाला। उसके बाद इनके कॉलेज की बसेस आ गई, अपने बसेस से ये लोग अपने गंतव्य को। कोई मुकदमा भी लिखा गया था इस संबंध में? पीड़ित परिवार की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रधाना चार्ज सहित 5 लोगों के विरुद्ध धारा 306 वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ।